Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, आज है हम आर के गोट फार्म पर और हमारे साथ है आर के गोट फार्म के कस्टमर और हमारे बहुत पुराने दोस्त जिनको आपने हमारे काफी वीडियोस में देखा होगा और जो हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो रहा है अभी तक की पूरी जर्नी में मेरा, जिसका वीडियो टाइटल का नाम है डेनी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख व्यूज पार कर चुका, वो अब्दुल भाई का ही बकरा था, ठीक है, और वो बकरीद में सोल्ड आउट हुआ और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। अब बकरीद के बाद अब्दुल भाई ने खुद अपना बकरों का शौक वापस से किया और कुछ 10 बकरे अब्दुल भाई के यहाँ पे है आरके गुड फार्म पे, ठीक है। उसमें से एक बकरा थोड़ा सा बीमारी में यहाँ आया था और यहाँ पे माशाल्लाह उसने रिकवर किया, वो ये आपके सामने है। हम लोग जानेंगे इसका रिव्यू क्या है, मतलब जैसा ऐसा कस्टमर फीडबैक बोला जाए तो हम लोग जानेंगे कि अब्दुल भाई का क्या इसके ऊपर क्या नजरिया है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले और यहाँ मिलेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमेशा हम लोग वीडियो वहाँ बनाते थे अपने घर के पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ मिले और बकरे भी अपने अच्छे हैं यहाँ पे, 10 बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अपने बकरे रख के? समीर भाई, मेरे को बहुत खुशी हुई, कल फैसल भाई ने भी मेरा एंट्री वगैरह लिया। फैसल भाई का खुद का भी चैनल है ना। मेरे को बहुत खुशी हुई मेरे जानवर देख। अभी जब मैं तुम्हारे को फोन किया था आरके फार्म के बारे में, तो समीर भाई मैंने दूसरे दिन 10 बकरे लाया था। ये बकरा मेरा इतना बीमार था, काफी बीमार था, और मेरा बदन पे देखो ये पूरा दाने उठे हुए, ये सब दिख रहा है ना, जितना जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहा है ना, इसको दाने थे ये सब। और ये चीज के बारे में आपको मालूम नहीं थी ना अब्दुल भाई, मालूम नहीं पड़ रहा था ना घर पे अपने को क्या है करके, ये मालूम नहीं पड़ रहा था। ये देखो ना, पूरा है, देखो पूरे पूरे बदन में, पूरे बदन में थे ये। और इतना सर्दी में बकरा था, इतने सर्दी में और बुखार में तो बहुत काफी बकरा था। जैसे समीर भाई मैंने बकरा फैजल भाई को फोन किया, मेरा एक बकरा बहुत पीपीआर में है करके बीमार है, तो मैं उससे भी लेके आ रहा हूँ, तो बोले उसे साइड से लेके आना, साइड गाड़ी में, कौन सी भी गाड़ी में लेके आना, मिक्स करके नहीं लेके आना। वो यही बकरा था क्या? यही बकरा था। और समीर भाई मैं इधर जब बकरा लाया, जब फैजल भाई तो नहीं थे, उनके साथ के जो काम करने वाले थे, अच्छा, उनका स्टॉक, ये बकरे को साइड में लेके जाके बांधा गया, दवाई इंजेक्शन वगैरह फटाफट चालू किया गया, तुरंत तुरंत आपके सामने सामने, ना बातचीत ना कुछ हुआ, कितना लोगे क्या लोगे करके, वो कुछ ही नहीं। सिर्फ फैजल भाई को मैंने इतना ही बोला था कि मेरा एक बकरा बीमार है, और वो जो उनका स्पॉट है, जो 2-3 दिन थे, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है करके, बकरा साइट में लेके गए, उनसे दवाई दिए, इंजेक्शन दिए, उसका बुखार चेक किया, माशाल्लाह देखो आज 1 महीना हो गया मेरा बकरा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को तो बहुत खुशी है कि यहाँ पे जो बकरा मैंने देखा था, इसकी ये ना चमड़ी के ऊपर है ना खाली ऐसे गट्टे गट्टे दिखते थे अब्दुल भाई। ये बकरा जब आया था ना, उसके नेक्स्ट डे में यहाँ पे आया था, मतलब आप बकरा कल लेके गए और मैं शायद अपने शनिचर को बकरे छोड़े, है ना, 20 तारीख को बकरे छोड़े, है ना, उसके नेक्स्ट डे में यहाँ आया था। और फैसल भाई ने मुझे यहाँ पे बताया कि देखो ये बकरे के अंदर ये बीमारी है, इसके ऊपर है ना अंदर अंदर चमड़ी के अंदर दाने, और बोले ये हो सकता है बहुत बड़ी एक बीमारी है जिसको बोलते हैं गोट पॉक्स, हो सकता है ये वो भी हो, लेकिन हो सकता है ये वो ना भी हो, लेकिन हम लोग इसका इलाज करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा देखो सामने, समीर भाई ने ऐसा लगा था कि उम्मीद नहीं थी, ये देखो ना, उम्मीद नहीं, कोई कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे इसको दाने नहीं थे, माशाल्लाह से सभी चीज अभी एकदम रिकवर कर लिया इसने, थोड़ा सा और कसर रह गई, मतलब हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है, मतलब है ना, अभी तो ठीक ही हो गया। मतलब ये जो ऊपर ऊपर का जो है वो झड़ जाएगा पूरा, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, वो रिकवर तो ऑलरेडी हो ही गया है। तो आप क्या कहना चाहोगे अब्दुल भाई इसके बारे में, आपको क्या लग रहा है, मतलब सही है ये फार्म पे जो है बकरों के साथ ट्रीटमेंट अच्छा होता है, कैसा है? समीर भाई अपन कभी किसी के फार्म पे गए नहीं, पहली बार अपन, हाँ, ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं बताता हूँ, सही सही है। ऐसा फार्म पे आने से पहले मुझे ऐसा लगा था जो केयर मैं करता हूँ केयर फार्म वाले करेंगे कि नहीं। हाँ मैं तुम्हारे को बोलता था, आपने एक रूम में 17 बकरे पाले थे, सही, जो आपने निकाला है, अभी भी मेरे पास में 10-12 बकरे थे, तो इधर लाया, इस लाने के बाद में मालूम पड़ा कि नहीं इधर बहुत अपने जैसे अभी कोई केयर कर सकता है, कर सकता है, और इतनी मेहनत कर सकते हैं, अभी जैसा बीमार गिरा, अभी बीमारी का तो अपने को पता नहीं था, जैसा लेके आए बरोबर सब फैजल भाई ने सब कवर कर दिया, सही है। तो मतलब आप देखा जाए तो खुश हो, खुश सर्विस से, खुश है, खुश है। और मैं तो कल फैजल भाई को बोला आज मेरे 10 बकरे, इंशाल्लाह मेरे आते समय मेरे 20-25 जानवर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये भी बता दिया।
तो अभी अपने जो ये ही एक बकरा उसमें बीमार था ना भाई, एक ही बकरा, बाकी सारे बकरे अपने फिट एंड फाइन है। अच्छा, और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा अब्दुल भाई आपसे, अपने बकरों ने कुछ वेट गेन किए हैं या फिर मतलब कुछ वेट गेन किए, कुछ रुके कम, किसी ने कहा किसी ने भी नहीं? वन मंथ हो गया पर कम नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी बकरे का वेट कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ, रुका हुआ है। ओके, और बड़ा हुआ है? बड़ा है। हाँ, बड़ा है तो बड़ा मतलब तो हुआ है। एक मंथ हुआ है ना अभी, तो उसमें और जगह चेंज हो गया उसमें। बाप रे शफीक भाई, तो अब्दुल भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और इंशाल्लाह अभी हम लोग यहाँ पे मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि मेरा हर संडे मैं यहाँ पे आता ही हूँ। मेरे को यहाँ पे आना मतलब आज 2 महीने से मेरा फिक्स कल हो गया। मुझे ऐसा लगा सैटरडे कल तुम आएंगे, शफीक भाई आएंगे, कल मैं एक दिन पहले आया, तो मुझे मालूम पड़ा कि आज नहीं आए, तो मैं उनको फैजल भाई को बोल के गया कल मैं फैमिली के साथ में आ रहा। अच्छा, और रास्ते में आपका फोन, मेरा फोन आ गया। सही है, तो माशाल्लाह से ठीक है। तो अब्दुल भाई और कुछ बोलना चाहेंगे आप? काफी है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।